हाय फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। आज हम आपको टाइम एंड वर्क पार्ट 29 पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको टाइप 4 के प्रश्न कराए जा रहे हैं, जो कि किरण मैथमेटिक्स इस समय आप पढ़ रहे हैं। तो आइए यहाँ से हम प्रश्न नंबर 31 करते हैं। निर्मित किसी कार के 2/2 भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। कशिश की क्षमता निर्मित से 2 गुनी है। कशिश उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो देखिए, यहाँ निर्मित और कशिश दो लड़कियां हैं। तो देखिए, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि निर्मित किसी कार के 2/5 भाग को, दो बटे 3 भाग को कितने दिन में पूरा कर लेती है। कह रहा है कि 18 दिन में। तो बताइए, यहाँ से निर्मित कार्य का एक भाग कितने समय में पूरा कर पाएगी, मीन्स एक काम कितने समय में पूरा कर लेगी। ये देखिए 18, यहाँ से देखिए यहाँ उलट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 से भाग हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, भाग देंगे 9 और यहाँ आ गया 9 + 3 = 27 दिन। ये देखिए, निर्मित कार्य का एक भाग कितने दिन में कर लेगी, 27 दिन में कर लेगी। तो देखिए, यहाँ से रेशियो बनाइए। ये देखिए, कशिश और निर्मित का रेशियो बनाइए। यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कशिश की क्षमता निर्मित से 2 गुनी है। देखिए, यहाँ पर कशिश की क्षमता क्या है, 2 गुना है किससे, निर्मित से। ये क्या हो गई, इनकी इफिशियंसी हो गई, एक दिन की कार्य करने की क्षमता हो गई। तो यहाँ से हम जानते हैं कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये देखिए, यदि किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी तो वह कम समय में ही कार्य को पूरा कर जाएगा। तो देखिए, यहां से तब समय क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया। अब देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि निर्मित किसी कार्य के, यहाँ से देखिए निर्मित कार्य के एक भाग को कितने दिन में पूरा कर रही है, यहाँ से 27 दिन में। मीन्स देखिए, निर्मित का कितना समय लिया जा रहा है, 2 यूनिट का। तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू। कह रहा है कि कितने दिन में पूरा करेगी, यहाँ से देखिए कितने दिन में, 27 दिन में। यहाँ हो गया 27 दिन में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहां से 27/2 दिन। तो देखिए, यहां से पूछ रहा है कि उस कार्य को कितने दिनों में अकेले कशिश पूरा कर लेगी। ये देखिए, कशिश की यहाँ कशिश का कार्य करने का समय कितना है, 1 यूनिट है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिल गई है। तो कशिश कितने दिन में कर लेगी, यहाँ से कशिश कितने दिन में कर लेगी, 27/2 दिन में कर लेगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 32 है। ए बी से 1.5 गुना मीन्स 1.5 गुना कार्य कुशल है, इसलिए वह एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम लेता है। ए तथा बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तथा ए कार्य को पहले दिन करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए रेशियो बनाइए, ए रेशियो बी कितना हो जाएगा। यहाँ से कह रहा है कि ए बी से 1.5 गुना कार्य कुशल है। ये देखिए, बी से 1.5 गुना है। अगर बी 1 है तो इसका यह 1.5 गुना है, तो कितना होगा, 1.5। तो इसकी क्या है, क्षमता हो गई, ए की क्षमता 1.5 हो गई और बी की क्षमता 1 है। तो यहां से हम जानते हैं कि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देखिए, अगर किसी व्यक्ति कार्य करने की क्षमता ज्यादा है तो कार्य बहुत कम समय में कर जाएगा। तो यहाँ से टाइम क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, 1:1.5। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि इसलिए वह कार्य को पूरा करने में 2 से 8 दिन कम लेता है। तो देखिए, यहाँ से अगर 8 दिन कम लेता है तो मीन्स इनके बीच में ही लेता है। तो दोनों का यहाँ से अंतर निकाल लीजिए, यहाँ से डिफरेंस निकाल रहे होंगे। ये देखिए डिफरेंस,
डिफरेंस निकालेंगे यहां से कितना आएगा 0.5, कितना आ गया 0.5 आ गया। अब कह रहा है कि वह 5 कह रहा है कि 8 दिन कम लेता है, मीन्स 0.5 किसके बराबर है 8 दिन कम लेता है 8 दिन के। तो देखिए यहां पर एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, यहां यूनिट लिख देते हैं, यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक यूनिट इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा 8/ यहां से 0.5। देखिए इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 80/5, तो क्या हो जाएगा 80 में 5 से भाग देंगे 16 दिन। तो देखिए यहां पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 16 दिन आ गई, तो मीन्स ए कार्य को कितने दिन में करेगा 16 दिन में, और बी कितने दिन में करेगा, ये देखिए 1.5 से 16 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24 दिन में। तो देखिए यहां से आगे देखिए इसको यहां पर सॉल्व करते हैं, ये देखिए ए कोई कार्य कितने दिन में कर लेता है, कह रहा है कि 16 दिन में, एक यूनिट की वैल्यू है 16 दिन में, और बी वही कार्य कितने दिन में कर लेगा यहां पर 24 दिन में। ये देखिए ये 24 कहां से आ रहा है, 1.5 में 16 का गुणा करेंगे कितना आ गया 24 आ गया। ये देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, 16 और 24 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 48 होगा, ये क्या है टोटल वर्क है, पूरा किया गया कार्य एलसीएम लेने पर मिला है। तो देखिए यहां पर ए 16 दिन में 48 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, यहां से 48 में 16 से भाग देंगे, यहां से देखिए 16 × 48 इसकी एक ही कार्य करने की क्षमता कितनी हो गई 3 हो गई, और यहां से देखिए बी की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी 48 में 24 से भाग देंगे कितनी 2 यूनिट। ये देखिए 2 यूनिट आ गई। अब कह रहा है कि ए और बी एकांतर क्रम में काम करते हैं, एकांतर क्रम मीन्स एक दिन ए काम करता है तो दूसरे दिन बी काम करता है, यानी ये लोग 2 दिन मिलके तब काम करते हैं। तो देखिए यहां पर एकांतर क्रम में काम करते हैं, तो यहां से देखिए 2, ये देखिए 2a+b 2 दिन का ये क्या हो गया कार्य हो गया, इनकी 2 दिन की क्षमता कितनी आ गई, ये देखिए यहां दोनों जोड़ लीजिए 3 + 2 = 5। तो देखिए यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चक्र निकालना है, ये देखिए पूरा कार्य कितना है 48 है, और यहां से देखिए यहां पर इनकी कार्य की क्षमता 3 और 2 है। तो देखिए यहां से आप चक्र कैलकुलेट कर लीजिए, 48 में यहां से 5 से भाग देंगे, ये देखिए 5 × 9 = 45, ये क्या हो गया ये चक्र है ये साइकिल है, कितना चक्र है इसमें 9 चक्र है। देखिए 9 चक्र बन रहा है कैसे, यहां से देखिए 48 में 5 से भाग दिया गया है तो कितना आया 9 चक्र। यहां पर देखिए यह कार्य जो है पूरा 48 है, पूरा किया गया कार्य 48 है, इसमें इनके द्वारा किया गया कार्य एक दिन में कितना है 5 है, भाग दे दिया गया, तो यहां पर एक चक्र जो बन रहा है वो 2 दिन का बन रहा है, क्योंकि ए और बी यहां पर एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं। तो देखिए तो यहां से देखिए a+b का 18 दिन का काम क्या होगा, ये देखिए यहां पर 9 चक्र आ रहा है, 9 चक्र एक चक्र 2 दिन का है तो 9 × 18 18 दिन में कितना काम करेंगे 18 दिन में यहां पर काम कर रहे हैं, देखिए यहां से काम कर रहे हैं 45, देखिए 9 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे यहां देखिए दोनों की क्षमताओं में तो कितना हो जाएगा 45। ये देखिए ए और बी 18 दिन में 45 काम करेंगे, तो देखिए यहां पर टोटल वर्क कितना है, ये देखिए टोटल वर्क 48 है, ये देखिए टोटल वर्क कितना है 48 है, और ए बी के द्वारा 18 दिन में किया गया कार्य कितना है 45 है, तो यहां से घटा लीजिए, यहां से घटा रहे होंगे कितना आ गया यहां से बचा 3,
ये क्या है, शेष कार्य है। ये देखिए टोटल कार्य है, टोटल कार्य में से 18 दिन का कार्य घटा लिया गया, 18 दिन का 45 कहां से आ रहा है, ये देखिए 9 और यहां से देखिए इनकी क्षमताएं हैं 3 और 2 5, 5 में 9 का मल्टीप्लाई हुआ तो 45, तो इससे घटाएंगे कितना आ गया, बचा हुआ कार्य कितना आया, 3 आया। अब कह रहा है कि ए पहले कार्य आरंभ करता है, तो यहाँ पर देखिए बचा हुआ कार्य कौन करेगा, ए करेगा। यहाँ पर देखिए 3 से भाग दे दीजिए, 3 से भाग दे रहे होंगे तो 1 दिन आ गया। ये देखिए यहाँ पर बचा हुआ कार्य 1 दिन आ गया, और यहाँ पर देखिए ए प्लस बी 18 दिन काम कर रहे हैं और 1 दिन ए, तो पूरा टाइम कितना लगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19 दिन। ये देखिए यहाँ पर तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, 19 दिन में पूरा होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 33 है। ए किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो उसी कार्य को बी कितने दिनों में करेगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। ये देखिए 50% का फ्रैक्शन बनाइए कितना होगा, 1/2। तो यहां से देखिए ए रेशियो बी बनाइए, ए रेशियो बी। यहां पर कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता किससे अधिक है, ए से, तो मीन्स यहां पर ए की कार्य क्षमता क्या है, 2 है, यहां लिख दीजिए। और कह रहा है कि जब अधिक है, देखिए प्रश्न पढ़िए, कह रहा है कि ए से 50% अधिक है, जब प्रश्न में अधिक आए तो हर को अंश में जोड़ देंगे और जब कम कहे तो घटा देंगे। तो यहां से देखिए यहां पर जोड़ दीजिए दोनों को, यहां देखिए जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी, बी की क्षमता हो जाएगी। तो ये क्या है, ये देखिए इफिशियंसी है। और यहां से देखिए टाइम क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो देखिए यहां से इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 3:2। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 48 दिन में। ये देखिए ए का कार्य करने का समय कितना है, 3 यूनिट। तो देखिए 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 48 दिन में कर सकता है ए, 48 दिन में कर सकता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 1 यूनिट इज इक्वल टू 48/3 इज इक्वल टू 16 दिन। ये देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 16 दिन आ गई। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि बी कितने दिनों में करेगा, मीन्स यहाँ पर देखिए बी की यहाँ पर कार्य करने का समय कितना है, 2 यूनिट है, इसका मान निकालना है। तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ये देखिए 16 × 2। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, 16 × 32 दिन। यहां पर देखिए बी कितने दिनों में कर लेगा, बी कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, 32 दिन में कर लेगा। यहां पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 34 है। एक्स तथा वाई मिलकर किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाई तथा जेड 12 दिनों में तथा एक्स तथा जेड 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक्स वाई तथा जेड में से सबसे अधिक कार्य कुशल कौन है। तो देखिए यहाँ पर कार्य कुशलता निकालनी है, प्रश्न में कह रहे हैं कि एक्स प्लस वाई मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, कह रहा है कि 9 दिन में कर सकते हैं, और कह रहा है कि वाई प्लस जेड मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, और कह रहा है कि x प्लस जेड मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर 18 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से तीनों का एलसीएम लीजिए, ये देखिए 9, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। ये क्या है, टोटल वर्क है, पूरा किया गया कार्य एलसीएम लेने पर निकला है। तो देखिए यहाँ से x प्लस वाई मिलकर 9 दिन में 36 काम करते हैं,
ये देखिए 9 दिन में 36 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 यूनिट काम करेंगे। देखिए 36 में 9 से भाग देंगे कितना आ गया, 4 आ गया। ये देखिए वाई और जेड 12 दिन में 36 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे। यहाँ देखिए 36 में 12 से भाग दिए 3 आ गया। ये देखिए एक्स और जेड 18 दिन में 36 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 यूनिट काम करेंगे। यहाँ देखिए 36 में 18 से भाग दिए 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पर सभी को जोड़ना है, देखिए इसको जोड़ेंगे इसको और इसको। देखिए यहाँ पर एक्स 2 बार है, वाई भी 2 बार है और जेड भी 2 बार है, तो यहाँ से 2 कॉमन कर ले रहे हैं। इसको जोड़ लीजिए तीनों को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर देखिए इनकी क्षमताएं कितनी होंगी, 4 और 3 7 2 9 कितना हो गया, इनकी क्षमता क्या हो गई, 9। 2 दिन की इनकी कार्य करने की क्षमता कितनी हो गई, 9 हो गई। तो देखिए यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9/2। अब देखिए यहाँ से x प्लस वाई की क्षमता कितनी है, 4 है, यहाँ पर रख दीजिए 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 9/2। तो जेड इज इक्वल टू 9/2 माइनस 4, तो जेड इज इक्वल टू, यहां से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 9 माइनस 8/2 इज इक्वल टू, यहां से आ गया 1/2। ये देखिए जेड की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो फिर देखिए यहां पर देखिए यहां से देखिए एक्स, यहां से फिर निकालते हैं हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9/2। ये देखिए यहां से ही, तो यहां पर देखिए वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, वाई प्लस जेड की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 है, यहां रख दीजिए एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 9/2। तो एक्स इज इक्वल टू 9/2 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 6/2, तो यहां से 3/2 आ गया। x कितना आ गया, x की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई, 3/2। तो देखिए यहां पर आगे हमें किसका और निकालना है, यहां से देखिए यहां y का और निकालना है, तो हमें x का मिल चुका है, ये देखिए यहां से देखिए z का मिल गया और x का मिल गया है, तो हमें y का और निकालना है। तो यहां से देखिए x प्लस जेड इज इक्वल टू, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, 2 है। तो यहां से देखिए x इज इक्वल टू कितना होगा, 3/2 प्लस जेड, सॉरी यहां से देखिए यहां से x प्लस y की वैल्यू कितनी है, देखिए x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो देखिए यहां पर x की वैल्यू कितनी कैलकुलेट किया गया है, यहां से 3/2 है, 3/2 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो यहां से y इज इक्वल टू 4 माइनस 3/2, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 3/2, यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2। ये देखिए यहां पर यह क्या है, जेड की कार्य करने की क्षमता है, और यह एक्स की कार्य करने की क्षमता है, और यह वाई की कार्य करने की क्षमता है। तो देखिए तीनों का रेशियो बना लीजिए, यहां से एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। तो देखिए यहां पर एक्स कितना है, यहां से 3/2, देखिए 3/2 रेशियो, यहां से देखिए वाई कितना है, 5/2, और जेड कितना है, 1/2। ये देखिए तीनों में नीचे कॉमन है, क्या है, 2-2 कॉमन है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड क्या हो जाएगा, यहां से 3/5/1। ये देखिए यहां पर कह रहा है कौन व्यक्ति सबसे अधिक कार्य कुशल होगा, ये देखिए y की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5 है, और x की कितनी है, 3 है, z की 1 है, तो यहां सबसे अधिक कार्य कुशल कौन हुआ, y हुआ। ये देखिए यहां पर सबसे अधिक कार्य कुशल कौन है, y है। यहां पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है।
डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 35 है। ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। यदि बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है, मीन्स यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/5। तो देखिए यहां से ए रेशियो बी बनाइए, ए रेशियो बी। देखिए यहां पर कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है, अधिक कौन कार्य कुशल है, ए है। तो यहां पर देखिए यहां पर बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट है, यहां रख दीजिए 5। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि अधिक कार्य कुशल है, तो देखिए हर को अंश में जोड़ लीजिए, तो जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 5 6, तो ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये क्या हो गई, क्षमता हो गई, इफिशियंसी। तो देखिए हम जानते हैं कि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो देखिए यहाँ पर टाइम में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 5:6। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, देखिए बी की कार्य करने का समय कितना है, 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से कह रहा है कि 12 दिन में बी अकेला कर लेता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 12/6 इज इक्वल टू 2 दिन। ये देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 दिन आ गई। तो पूछ रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, ये देखिए ए की कार्य करने का समय कितना है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 5 यूनिट इज इक्वल टू, यहां से देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5 × 2 इज इक्वल टू 10 दिन। ये देखिए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, यहां से देखिए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 10 दिन में कर लेगा। यहां पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 36 है। पी क्यू से 20% अधिक कार्य कुशल है। यदि क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है तो P अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि P Q से 20% अधिक कार्य कुशल है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/5। तो देखिए यहाँ से P रेशियो Q बनाइए, P रेशियो Q। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि P Q से 20% अधिक कार्य कुशल है, कौन अधिक कार्य कुशल है, यहाँ पर P। तो देखिए यहाँ पर Q की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट है, तो यहाँ से हो गया 5। अब कह रहा है कि अधिक है, प्रश्न में अधिक कह रहा है, तो हर को अंश से जोड़ लेंगे, देखिए जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 5 6, तो कितना हो गया, P की कार्य करने की क्षमता कितनी हो गई, 6 हो गई, और Q की 5 हो गई। ये क्या है, इफिशियंसी है, क्षमता है। तो यहाँ से देखिए टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जस्ट उल्टा होता है, इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो इसे जस्ट उल्टा कर लीजिए, 5:6। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है, तो देखिए क्यू की यहाँ पर कार्य करने का समय कितना है, 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या है, 6 यूनिट की वैल्यू इज इक्वल टू, कह रहा है कि 10 दिन में क्यू अकेला पूरा कर लेता है, देखिए 10 दिन, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10/6, तो कितना हो जाएगा, 5/3 दिन। तो देखिए यहां से पूछ रहा है कि पी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, तो देखिए मीन्स 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ये देखिए 5 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ से 5 यूनिट इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 5 × 5/3, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 25/3। देखिए यहाँ से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 सहित 1/3 दिन।
तो देखिए यहाँ पर पी अकेला उस कार को कितने दिन में कर लेगा, ये देखिए पी अकेला उस कार को कितने दिन में कर लेगा, आठ सहित एक बटा तीन दिन में। यहाँ पर आपका ऑप्शन वन करेक्ट है। ए बी तथा सी किसी काम को एक साथ 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी की तुलना में ए दो गुना अधिक कार्य दक्ष है और सी अकेला इस काम को 36 दिनों में कर सकता है। यदि सी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी, ए बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में कर लेते हैं, ये देखिए कह रहा है कि 12 दिन में कर लेते हैं, और सी अकेला वही काम कितने दिन में कर लेता है, 36 दिन में कर लेता है। ये देखिए यहाँ से एलसीएम लीजिए, 12 और 36 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 36। यह क्या है, टोटल वर्क है, पूरा किया गया कार्य एलसीएम लेने पर निकला है। तो देखिए यहाँ से ए बी सी मिलकर 12 दिन में 36 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, देखिए 36 में 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 36। ए बी और सी की मिलकर कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। ये देखिए सी अकेला 36 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा। ये देखिए 36 में 36 से भाग दिए, 1 आ गया। और देखिए प्रश्न में कह रहा है कि बी की तुलना में ए दो गुना कार्य दक्ष है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू टू बी। देखिए इस सेंटेंस को समझिए आप, कह रहा है कि बी की तुलना में ए दो गुना कार्य दक्ष है, ये देखिए इसका दो गुना करेंगे तब ए के बराबर होगा ना। तो देखिए यहाँ से कैलकुलेट करिए, ए प्लस बी, ए बी और सी मिलकर एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि ए इज इक्वल टू टू बी, ए इज इक्वल टू टू बी यहां रख दीजिए, 2b प्लस बी, और यहां पर देखिए सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1 है, तो यहां रख दीजिए इज इक्वल टू 3। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो b इज इक्वल टू 2/3। ये देखिए b की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2/3 है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगी, a की कार्य करने की क्षमता, ये देखिए a की कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी, b की कार्य क्षमता यहाँ रख दीजिए 2 × 2/3, कितना आ गया, 4/3। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि सी छुट्टी पर चला जाता है, अगर सी छुट्टी पर चला गया तो काम कौन करेगा, ए और बी करेंगे, ये जाहिर सी बात है। तो ए प्लस बी के मिलकर कार्य करने की क्षमता, ये देखिए ए प्लस बी मिलकर कार्य को करेंगे, ये देखिए पूरा कार्य कितना है, 36 है। और देखिए यहाँ पर ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है, सॉरी 4/3, और बी की कार्य करने की क्षमता 2/3, यहाँ रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, 36/, यहाँ देखिए दोनों को जोड़ लेंगे, 6/3, यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 36/2 = 18 दिन। ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, 18 दिन में कर लेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न 38 है। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है, सी अकेला एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिनों का समय लेता है, एक साथ काम करते हुए ए बी और सी को उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगते हैं, उस घर को पेंट करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न में कि ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, तो ये देखिए ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, तो देखिए बी में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ए के बराबर होगा। तो और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सी उस कार्य को अकेले कितने दिन में कर लेता है,
ये देखिए सी उस कार्य को अकेले कितने दिन में कर लेता है, 48 दिन में। ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं, मतलब पेंट करते हैं। यहां से देखिए 48 और 16 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 48 होगा। ये क्या है, टोटल वर्क है, एलसीएम लेने पर निकला है। यहां से देखिए सी 48 दिन में 48 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा, 48 में 48 से भाग देंगे, एक होगा। यहां पर देखिए ए बी और सी मिलकर 16 दिन में 48 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे। ये देखिए यहाँ पर सी की क्षमता एक आ गई, ए बी और सी की मिलकर एक दिन की क्षमता 3 आ गई। तो देखिए यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। ये देखिए यहाँ पर ए बी और सी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 है। तो देखिए यहां से देखिए कह रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना कामगार है, अच्छा कामगार है, तो ए इज इक्वल टू 3B यहाँ पर प्लस बी। और यहां से देखिए सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1 है, यहाँ लिख दीजिए इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4B इज इक्वल टू 3-1, तो बी इज इक्वल टू 2/4। तो यहां से कितना आ गया, 1/2। यहां पर देखिए बी की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि उस घर को पेंट करने के लिए अकेले बी कितने दिन लगेंगे, अकेला बी कितने दिन में पेंट कर सकता है। ये देखिए अकेला बी पेंट कर सकता है, ये देखिए टोटल कार्य कितना है, 48 है। और यहां पर देखिए यहां पर बी की क्षमता 1/2 है, यहां से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, बी की क्षमता आ जाएगी यहां से 96 दिन। यहां से आ गया 96 दिन में बी अकेला पेंट कर लेगा। यहां पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 39 है। सी बी की तुलना में 5 गुना कार्य कुशल है, ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं, यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो वे 12 दिनों में वह कार्य पूरा कर सकते हैं, अकेले काम करते हुए बी कितने दिनों में वह काम पूरा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि सी बी की तुलना में 5 गुना कार्य कुशल है, ये देखिए सी इज इक्वल टू 5B। ये देखिए सी बी की तुलना में कितना कार्य कुशल है, 5 गुना, इसका देखिए 5 गुना करेंगे तब सी के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में, ए एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, और वही काम ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम लीजिए, यहाँ से 60 और 12 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 60 होगा। ये क्या है, टोटल वर्क है, कैसे आया एलसीएम लेने पर, ये देखिए एलसीएम लेने पर ए 60 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा। ए बी सी मिलकर 12 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, यहाँ देखिए 60 से 12 को भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 यूनिट, ये देखिए 12 × 5 = 60। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है, यहाँ लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता क्या है, 5 है। यहां से देखिए सी इज इक्वल टू 5B और ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, यहां से बी प्लस बी और सी इज इक्वल टू 5B इज इक्वल टू 5, तो यहां से जोड़ेंगे 6B इज इक्वल टू 5-1, तो बी इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 2/3। यहां पर देखिए बी की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई, 2/3। कह रहा है कि अकेले काम करते हुए बी कितने दिनों में वह काम पूरा कर सकता है,
तो देखिए बी अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा करेगा, यहां से देखिए टोटल काल कितना है 60 है, और यहां पर देखिए बी की काल क्षमता कितनी है 2/3 है, यहां से देखिए कैंसिल करिए, यहां से बी सॉरी 30 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो बी की अकेले वह कार्य कितने दिन में करेगा 30 × 3 = 90 दिन में, बी अकेले वह कार्य कितने दिन में करेगा 90 दिन में करेगा, यहां पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न 40 है, आर एस से 80% अधिक कार्य कुशल है, यदि एस अकेला एक पुस्तक को 90 दिन में बना सकता है तो आर अकेला उसी पुस्तक को कितने दिन में बना सकता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आर एस से 80% अधिक कार्य कुशल है, देखिए 80% का फ्रैक्शन कितना होगा 4/5, तो देखिए यहाँ से आर और एस का रेशियो बनाइए, यहाँ से देखिए कह रहा है कि प्रश्न में आर एस से 80% अधिक है, मीन्स देखिए कौन अधिक है, यहाँ पर आर अधिक है, तो यहाँ पर देखिए एस की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और प्रश्न में कह रहा है कि आर की अधिक है, दोनों को जोड़ लीजिए, यहाँ से 5 × 4 = 9, आर की कितनी हो जाएगी 9, ये क्या हो गई इनकी कार्य क्षमता, तो इनका समय कितना हो जाएगा 5:9, कैसे ये जानते हैं कि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एस अकेला उस पुस्तक को 90 दिन में बना सकता है, देखिए एस की यहाँ पर देखिए कितने दिन में कार्य करता है, देखिए यहाँ पर एस 9 यूनिट में यह कार्य करता है, मीन्स समय में कार्य करता है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 यूनिट = 90 दिन, तो 1 यूनिट = कितना आ जाएगा यहाँ से 90/9 = 10 दिन, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10 दिन आ गई, तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि आर अकेला उस पुस्तक को कितने दिन में बना सकता है, मीन्स देखिए यहाँ पर 5 यूनिट आर की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी, तो 5 यूनिट = यहाँ से देखिए यहाँ से 10 और यहाँ से 5 का गुणा कर लीजिए कितना होगा 50 दिन, आर अकेला उस पुस्तक को कितने दिन में बना लेगा 50 दिन में, यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। या दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस।